बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विलेज फूड पाकिस्तान में मैं मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे आलू की टिकिया। हमने आधा किलो उबले हुए आलू हमने मैश कर लिए हैं, और दो हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये जो चीज़ें हैं ये हम इनको भून लेंगे फ्राई पैन में। सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें हमने फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया है। इसको फ्राई पैन में डाल देंगे। इनको भून कर आलूओं में मिक्स कर लेंगे, पीस कर, और हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल के फिर उसकी तो बना लेंगे। ये सब चीज़ें जब आलूओं में मिक्स कर लेंगे, फिर बेसन में डिप करके इसको फ्राई करेंगे। हमने जो साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा और काली मिर्च जो भुनी थी हमने, वो पीस कर इसमें ऐड कर दिए। अब हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक हसबे ज़ायका वो इसमें ऐड कर दिया। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करके टिक्किया बना लेंगे इनकी। हमने ये आधा पाव बेसन में नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें दो चुटकी डाल के इसको ऐसा बना लिया है। अब इसमें हम टिक्किया डिप करके फ्राई करेंगे। ये हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें टिक्किया डिप करेंगे और फ्राई पैन में डाल देंगे इस तरीके से। फ्राई पैन में फ्राई कर देंगे। बेसन हमने ज़्यादा पतला नहीं रखा है, ऐसे ही रखा है। फिर आई और ये टिकिया टिक्किया हमारी गोल्डन हो चुकी है, इसलिए हमने पलट दी है। अब नीचे से फ्राई हो रही है दूसरी तरफ से। टिक्किया हमारी तैयार हो चुकी है पुदीने और दही के रायते के साथ। अब हम अम्मी जान और अब्बू जान को सर्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।